हेलो बॉयज़ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज यार हम बात करने जा रहे हैं वही पाकिस्तान पबजी मोबाइल चैलेंज के बारे में। तो यार मोस्टली काफ़ी जस्ट लाइक आपको मालूम है कि मैं स्ट्रीम करता हूँ ऑन डेली बेसिस, तो यार काफ़ी लोग जो हैं मुझे स्ट्रीम पे आके यही कह रहे हैं कि यार काइंडली इन्फॉर्म करो कि हमें मैचेस कैसे खेलना है, हमें आगे कैसे पार्ट लेना है, हमारे ऑनलाइन मैचेस कैसे होंगे, हमारे पास कोई ईमेल नहीं आई, हमने अपनी ईमेल डाली थी, हमने अपना नंबर डाला था, हमारे पास कस्टम रूम का आईडी पासवर्ड नहीं आया, हम क्या करें। तो यार उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। इवन कि मैंने अपनी क्लाइन को नहीं डाला ड्यू टू सम रीज़न यार, बाकी आप लोग को आज बताता चलूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, मतलब आपको कैसे प्ले करना है और फिर इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है यार, पता तो होगा ऑफिशियली जो पबजी मोबाइल ने अनाउंस किया था 15 लाख रुपीज़ की, उसकी रजिस्ट्रेशन भी अब क्लोज हो चुकी है। अब ओनली जिन्होंने रजिस्टर करा लिया है अब उनको मैचेस खेलना है जस्ट। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली जो लिंक दिया बताया उन्होंने कि हरिया पे रजिस्टर जो स्क्वाड वाला, मतलब रजिस्ट्रेशन पे तो आपने डन कर लिया होगा, तो आपने क्या करना है वो खोलना है। वो खोलने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दूँगा आपको, पहले वैसे आएगा ऐसे, क्या नाम है दिखा दूँगा ज़रा, आपको ऐसे आएगा, ये मालूम है आपको 15 लाख प्राइस पूल है। फर्स्ट वाले को 8 लाख रुपए मिलेंगे, सेकंड प्लेस वाले को 2.5 लाख, थर्ड प्लेस वाले को 1 लाख रुपए, और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने रजिस्ट्रेशन रखी थी जो कि ओप्पो करवा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। तो आप लोग को बता दूँ यहाँ पर आपको, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हो, मैंने कहा चलो मैं टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट में जाके, इन्होंने यहाँ पर जनरल रूल्स भी दिए हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ प्लेयर टू प्ले इन दिस क्या नाम है टूर्नामेंट। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का होना लाजमी है, अब फ्रंट लेवल वाला होना लाजमी है, FPP और TPP खेलना और सर्वर रीजन जो है आप लोग को एशिया खेलना है। डिस्क्वालिफिकेशन के इन्होंने रूल्स दिए हैं कि हैकिंग वगैरह जो करेगा बैन हो जाएगा और उसकी ID भी बैन कर देंगे, फॉर द फ्यूचर टूर्नामेंट को ही खेल पाएगा क्योंकि वो अपना होम एड्रेस वगैरह तो उसने डालना ही है, तो अपना नेम भी डालना है, तो फिर अपने CNS में तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकता। बाकी एक और बात बताते चलूँ कि जितने मैचेज होंगे कोई यहाँ पर जो है कोई ऑफिशियली जितने मैचेज होंगे सारे के सारे ऑनलाइन मैचेज होंगे। कोई यहाँ पे जो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मे बी ये किस कोई सिटी में करवाएं, तो कोई सिटी में नहीं करवाएंगे, अभी जितने मैचेज हो रहे हैं ऑनलाइन होंगे। इफ़ इनका समहाउ ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा तो फिर ये लोग इन फ्यूचर इंशाल्लाह करवाएं तो किसी सिटी में करवाएंगे। बाकी यार ये टेक्निकल इशू का इन्होंने बताया हुआ है कि मैच के दरमियान किसी का नेट मर गया, किसी का बैटरी डाउन हो गई, तो ये उनका मसला नहीं है। टीम जो है उनके खेले, अगर किसी एक बंदे का हो गया तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा, वो उनका आपस का मसला है, वो ख़ुद उसको सॉल्व करें। बाकी यार यहाँ पे और दिया हुआ है कि किसी की आपको कोई मैच में हैकर मिल जाए समहाउ, तो उसको 10 मिनट का टाइम दिया हुआ होगा, आपको 10 मिनट के अंदर उसको रिपोर्ट कर दें, और 10 मिनट में रिपोर्ट करने के बाद, मतलब मैच के एंड होने के बाद 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट करें कि ऐसे ऐसा हुआ मेरे साथ, या इनको ईमेल कर दें, तो फिर बाकी यार बात आ जाती है टूर्नामेंट इसमें आ जाओ। तो जो लोग कह रहे हैं ना जिन्होंने अपना सारा फॉर्म फिल कर लिया और उन लोग के पास ईमेल में नहीं आया कस्टम रूम की ID एंड पासवर्ड, मैं आपको वैसे भी दिखा दूँ, आप जाते हो जब मोबाइल के अंदर मोबाइल में कस्टम रूम्स में जाते हो तो कस्टम रूम्स के में यहाँ पे कस्टम रूम का ID का पासवर्ड आ रहा होता है और यहाँ टूर्नामेंट रूम का ID का पासवर्ड आ रहा होता है। तो जिन लोगों के पास ईमेल में कस्टम रूम पबजी वालों की तरफ से जिन्होंने ईमेल डाली थी ना उस पर जाने के बाद ईमेल करेक्टर ID जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, तो इफ़ उनके पास अगर ईमेल नहीं आई ना पबजी वालों की कस्टम रूम का टूर्नामेंट रूम का ID और पासवर्ड नहीं आया, तो उन लोग को क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इन गेम क्वालिफायर योर स्क्वाड विल प्ले 8 क्लासिक मोड मैचेस ना, इफ़ उन लोग को टूर्नामेंट रूम का ID पासवर्ड नहीं आ रहा तो उन्होंने क्या करना है, 8 मैच खेलना है, सही है, 8 मैच खेलना है। 8 मैच खेलने के बाद 8 मैच उन्होंने किस में खेलना है, इरेंगिल में खेलना है, सही है, और रीजन एशिया होना चाहिए और मोड होना चाहिए TPP नॉट FPP, और 8 जो बेस्ट मैचेस खेलेंगे ना वो उनका वो कंसीडर होगा, सही है, वो कंसीडर कैसे होगा और उसमें ना पॉइंट्स वाइज कैसे होगा वो भी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि उसमें पॉइंट्स वाइज कैसे होगा। बाकी 8 मैच खेलना है, यहाँ पे भी देखो भाई यू कैन सी राइट हियर बॉयज, मैं तुम लोग को इसका ना लिंक दे दूँगा तुम लोग को भी जाके देख लेना। योर स्क्वाड विल प्ले 8 क्लासिक मोड मैचेस, द स्कोर ऑफ योर स्क्वाड 5 बेस्ट मैचेस विल बी कंसीडर। अच्छा, 8 क्लासिक मैच खेलना है,
आठ में से जो पांच अच्छे मैच होंगे ना उसका स्कोर कंसीडर किया जाएगा, सही है। स्कोरिंग इज बेस्ड ऑन किल्स एंड फिनिशिंग पोजीशन, सही है। जितना सर्वाइवल टाइम ज़्यादा होगा जितने अच्छे पॉइंट्स होंगे, और जितने किल्स ज़्यादा होंगे जितने ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स होंगे। तो नॉट रश ना खेलो, सर्वाइवल पॉइंट्स इज ह्यूज मैटर रखता है भाई यार इसमें। तो सर्वाइव करो, किल्स करो, और दुआ करो कोई हैकर ना मिले तुम्हें कस्टम रूम में ना, कस्टम रूम बोल रहा हूँ पूरे के एंगल मैच में ना। तो यू कैन विन यार इजीली अगर आपका अच्छा स्क्वाड हो, इन अ टाई 64 स्क्वाड क्वालीफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो यहाँ पे ये लोग खुद तुम लोग का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना ये खुद देख लेंगे तुम लोग का। तो 64 स्क्वाड्स जो हैं वो ये खुद क्वालिफाई कर लेंगे, जिनके पॉइंट्स अच्छे हो, जिनका सर्वाइवल टाइम अच्छा हो, जिनके पॉइंट्स या सर्वाइवल टाइम भी पॉइंट्स ही बनाएगा आगे। तो बाकी उन्होंने कहा इन गेम क्वालिफायर मैचेस आर हेड फॉर ओवर फोर डेज, तो ये चार दिन तक ये फिर चलेगा ना गेम क्वालिफायर का लास्ट डे है। अभी मैं चाह नहीं रहा था कि वीडियो बनाऊं, बट काफ़ी लोगों ने कहा बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैंने बना दिया। बाकी उन्होंने कहा भाई कि यार मेक श्योर योर स्क्वाड प्लेड मैचेस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड जो इन्होंने चार दिन में दिया हुआ है कि इन चार दिनों में, और कल लास्ट डे, आज का दिन है और कल का लास्ट डे है, अभी बता दूँ। बाकी सेप्टेम्बर 17th टू सेप्टेम्बर 20th इज़ द लास्ट डेट इन्होंने इन गेम क्वालिफाइड डेट से लिखी है। फिर फेज़ टू में क्या जाएगा आप लोग के पास, जो अपनी पोजीशन 64 स्क्वाड में उनका नाम आ जाए, ईमेल आ जाएगी उनको, सही है। और बाकी अगर ईमेल ना है तो उसका भी मैं अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ, सही है। तो इन डिवाइडेड इनटू फोर मैचेस, तो इन लोग के भी दिखा दिया यार यहाँ पे, पूरा लिखा हुआ तुम लोग पढ़ सकते हो यार, अब मैं पढ़ के दिखाऊँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ईच मैच विल बी बेस्ट ऑफ फाइव लॉबीज विद स्क्वाड विद 16 स्क्वाड्स इन ईच मैच, ओनली टॉप फोर स्क्वाड्स स्कोर फ्रॉम ईच मैच विल मूव टू ऑनलाइन फाइनल्स। तो यहाँ पे मैच खेलना है कुछ इन्होंने रखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है कि ऐसे ऐसे करना है, तुम लोग पढ़ लेना। बाकी इसमें जो है मैप फॉर मैच जो है, अगर इसमें भी तुम लोग के पास ईमेल में कस्टम रूम टूर्नामेंट रूम का आईडी पासवर्ड नहीं आया तो तुम लोग ने खुद मैच खेलना है। और इन्होंने ऑनलाइन प्ले ऑफ डेट रखी है 25th सितंबर टू 28th सितंबर, और ऑनलाइन फाइनल जो होगा, फाइनल में दिया हुआ है द टॉप 16 स्क्वाड्स फ्रॉम द ऑनलाइन प्ले ऑफ मूव्स टू द ग्राउंड ग्रुप फाइनल, दी 16 स्क्वाड विल प्ले बेस्ट ऑफ फाइव। अच्छा, बेस्ट ऑफ फाइव मीन्स पाँच मैच होंगे तुम लोग के, सही है। जो 16 स्क्वाड्स जो होंगी ना पहले में, जो फाइनल में 16 स्क्वाड जाएंगी वो पाँच मैच खेलेंगी टोटल ना, मतलब एक टूर्नामेंट रूम होगा, दूसरा टूर्नामेंट रूम होगा, तीसरा टूर्नामेंट रूम होगा, चौथा टूर्नामेंट रूम होगा, पाँचवा टूर्नामेंट रूम होगा। उसमें वही सीन होगा कि पॉइंट्स वाइज ये लोग पूरा वो करेंगे कि जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हुए वो फर्स्ट, जिसके ज़्यादा, इट डिपेंड्स ऑन किलिंग प्लस सर्वाइवल रेशियो ना। तो उसको वो होगा 29 सितंबर को। बाकी यार मैं तुम लोग को यहाँ दिखा दूँ कहाँ गया, हाँ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है पाकिस्तानी चैलेंज में फर्स्ट वाले को 8 लाख रुपए, सेकंड वाले को 2.5 लाख, थर्ड वाले को 1 लाख, फोर्थ वाले को 80,000, फिफ्थ वाले को 40,000, सिक्स वाले को 40,000, सेवन्थ टीम को 30,000, एट टीम को 30,000, नाइन्थ को 20, 10 को 20, 11 को 15,000, 15, 13, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है ना यार। जो जो टेक पार्ट कर रहा है ना, जो फाइनल में जाएगा उसको प्राइज तो मिलना ही है, जो फाइनल में मूव कर गया ना उसको प्राइज मिलना ही है। अब वो फाइनल में जाके फर्स्ट पोजीशन आए, सेकंड पोजीशन आए, थर्ड पोजीशन आए, फोर्थ पोजीशन आए, उसकी जो भी पोजीशन है, लेकिन फाइनल में जाके उसको प्राइज तो लाजमी मिलना है। चाहे वो 16 नंबर पर भी आए तो उसको 15,000 रुपये, यार बंदा कर ही लेता है, पूरा 16 समझ लो अगर कर लो तो बाकी बंदे को, पर बंदे को 3.5-4,000 रुपये मिल ही जाने हैं पूरे स्क्वाड को, अगर स्क्वाड पूरे डिवाइड करो ना कुछ नहीं है। बाकी यार काफ़ी अच्छा है इनका शेड्यूल, जैसे तुम लोग को पहले दिखाया शेड्यूल, 12 सितंबर टू 16 सितंबर रजिस्ट्रेशन थी जो कि क्लोज हो गया, 17 सितंबर टू 20 सितंबर मैचेस खेलना है, आज का दिन है कल का दिन है, ऑनलाइन प्ले ऑफ 25 सितंबर टू 28 सितंबर जो कि यहां से मूव करके यहां जाएंगे, उनकी भी डेट दी हुई है, फिर फाइनल होगा इसको। और हाउ स्कोरिंग वर्ष पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप दिख जाएगा, इफ़ आप फर्स्ट आए ना, फर्स्ट आए तो 30 पॉइंट्स मिलेंगे आपको अगर आपने चिकन डिनर लिया, सही है। इफ़ आप सेकंड आए तो आपको 22 पॉइंट्स मिलेंगे, इफ़ आपको थर्ड आए तो 19 पॉइंट्स, फोर्थ आए 16 पॉइंट्स, फिफ्थ आए फिर 14, ऐसे क्या नाम है, बेस्ट ऑफ फाइव था तो बेस्ट ऑफ फाइव में अगर आप पहले मैच में 30 आ गए, आप फर्स्ट आ गए तो आपके 30 पॉइंट्स मिल गए, अगर सेकंड मैच में अगर आप 8 भी आए ना तो आपको 8 मतलब 30+8, 38 पॉइंट्स जाएंगे आपके, ऐसे कंसिडरेशन होगी टोटल 5 मैच, वो बाकी वो देख लेंगे, आप लोग को भी मालूम हो जाएगा। इफ़ आप समझो कि यार हमने तो हम फर्स्ट आए थे पहले मैच में और हम दूसरे मैच में फोर्थ आ गए और फिर भी हमारे पॉइंट्स ये लोग कम दे रहे हैं, हम ऐसे कैसे नहीं आए, तो यार खुद लोग
तुम लोग रिपोर्ट भी कर सकते हो वहाँ पे जाके, इन्होंने सब लिखा हुआ है। बाकी हेल्थ सेंटर पे भी जाके तुम लोग अगर कोई भी बातचीत करनी हो यू कैन टॉक देयर यार, सब कुछ कर सकते हो। तो बस यही था यार आज की वीडियो में। अगर तुम लोग को और भी कोई सवाल आता तो यू कैन आस्क मी इन द डिस्क्रिप्शन इन द कमेंट सेक्शन, तो फील फ्री टू आस्क मी यार, मैं बिल्कुल तुम लोग को गाइड कर दूंगा। बाकी अगर यार वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली यार सबसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी आई डोंट नो कुछ लोग पसंद करें इस वीडियो को कुछ नहीं, बट ये मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया कि यार जो मेरी डेली की स्ट्रीम पे आके ये कह रहे थे कि यार वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना। लिटरली मैंने एक स्ट्रीम करी उस पर बंदे ने कहा यार वीडियो बना, मैंने कहा ओके आई विल मेक वीडियो, तो भूल गया मैं दोबारा, मैंने अगले दिन दोबारा स्ट्रीम करी तो मैंने कहता यार मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक, मैंने कहा ओके यार आज तो डन है, आज डन है, टेंशन नहीं लो आज डन है। तो हियर यू गो बॉयज, बाकी यार वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हो यार। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस के आप लाइक करो सब्सक्राइब करो ना करो। बाकी मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट वीडियो यार, जब तक के लिए बाय।